हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देख बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हाँ जी, इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, मान लीजिए कोई कॉइन है, एक बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है, या एक कॉइन को दो बार टॉस किया या एक कॉइन को तीन बार टॉस किया, ठीक है। कॉइन को जितनी बार टॉस किया उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल, उसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया या एक कॉइन को 20 बार टॉस किया, ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए, तो उस टाइप के क्वेश्चन को जहां पर नंबर ऑफ ट्रायल क्या आ जाए, लार्ज आ जाए। उसमें क्या था प्रोबेबिलिटी में, किस तरह क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन को दो बार या मैक्सिमम तीन बार टॉस किया जाता था। अब नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज हो गया, एक कॉइन को 20 बार टॉस किया, एक कॉइन को 30 बार टॉस किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है उस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। यानी कि जब नंबर ऑफ ट्रायल लार्ज हो जाए उस टाइम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ किया जाता है। और उसके लिए फार्मूला क्या होता है, मैंने साइड में लिख रखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला, ठीक है दोस्तों। आइए एक एक चीज़ करके देखते हैं फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले एन क्या चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल है, इसको देखें, अगर इसमें क्या है, ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई को 6 बार उछाला गया, किसी चीज़ को कितनी बार किया गया, जैसे एक कॉइन को 20 बार उछाला गया, 10 बार उछाला गया, अब एक डाई को 6 बार उछाला गया, तो ये क्या है एन की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल मैंने यहाँ पे भी लिख रखे हैं, ठीक है। ये तो थी एन की वैल्यू। उसके बाद ये पी क्या है, पी क्या होता है, पी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे गेटिंग एन ओड नंबर इज सक्सेस, अगर डाई के ऊपर, एक डाई के ऊपर आप एक डाई का सैंपल स्पेस लिखें अगर आप, तो वो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक डाई का सैंपल स्पेस है ये। अगर इसके ऊपर ओड नंबर आ जाए तो उसको क्या मानेंगे, हम सक्सेस मानेंगे, उसको क्या बोलते हैं, पी। अब ये कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। सैंपल स्पेस लिखा आपने, हाँ जी, इवेंट ए लिखें, इवेंट ए में क्या है, ओड नंबर आनी चाहिए, ओड नंबर क्या है, 1 3 5, ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में करवाया था, ठीक है। हाँ जी, इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये भी मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए वो कितने हैं, 3, और बटे में सैंपल स्पेस, तो 1/2, ठीक है। उसने इस चीज़ को क्या मानना है, पी मानना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। और सक्सेस उसने बोला ओड नंबर आना सक्सेस है, ये ओड नंबर की तो प्रोबेबिलिटी निकाल लिया मैंने, तो इसको क्या मानना है, पी, और पी की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1/2 निकाल ली मैंने, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे, क्यों की, जैसे पी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यों का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हाँ जी, हमने जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट किया था, वो क्या किया था, किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। हाँ जी, इससे क्या पता चला, ये पी मतलब किसी भी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी, होने की मतलब जो मुझे चीज़ चाहिए सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पता है तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाल सकता हूँ, सिंपली पी की वैल्यू 1/2 रखें तो इधर माइनस हो जाएगा, 1 - 1/2, इट इज़ ऑल्सो 1/2, तो यानी कि क्यू की वैल्यू भी क्या आ गई मेरे पास, 1/2, ठीक है। यहाँ से पी और क्यू दोनों की वैल्यू आ गई। उसके बाद क्या रह गया, उसके बाद रहेगा आपके पास R। ये R क्या होता है, R क्या होता है, हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑफ के बाद जो आपको दिया होगा ना वो चीज़ R है। जैसे यहाँ क्या ऑफ, जिस चीज़ की मुझे निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस, ये चीज़ क्या R है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 5, ठीक है। हाँ जी, फार्मूले में सभी वैल्यू रखें, आइए देखते हैं। प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे अगर 5 रखें तो, हाँ जी, फार्मूले में वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6c5, ठीक है। और पी रेस्ट टू पावर आर की वैल्यू क्या है, 5, और क्यू रेस्ट टू पावर 6 - k5, ठीक है दोस्तों। अब ये NCR, ये NCR है, इसको कैसे सोल्व करते हैं, जब मैंने आपको परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर करवाया था तो मैंने उसमें NCR को बताया था किस तरह सोल्व किया जाता है। ये उसका फार्मूला है, n factorial upon r factorial n - k r factorial, ठीक है। और ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी मैंने आपको कराया था डायरेक्ट क्वेश्चन को स्पीड से करने के लिए। हाँ जी, अगर n - 1 आ जाए तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है, n होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको n माने तो n से एक कम है, ये n है तो ये n - 1 है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या था, n आता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करें आप 6, ठीक है। ये इसको ओपन करेंगे तो भी 6 ही आएगा, और 1/2 रेस्ट पर 5 ये ऐसे आ जाएगा, और ये 1/2, ये 2 की पावर 5 है, ठीक है।
ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। हाँ जी, 2 की पावर 5 क्या होती है 32, और गुणा में 2, ये इसके साथ कट गया, 2 3 6, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या है 3/32, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका राइट आंसर 3/32, ठीक है। अभी 3/32 आया क्या, 3/32 क्या आया, जब मैंने कढ़ाई को 6 बार टॉस किया, 6 बार उछाला, ठीक है, उसके ऊपर 5 बार सक्सेस मुझे मिली, और सक्सेस क्या थी, ओड नंबर, यानी कि जब डाई को उछाला उसके ऊपर पाँच बार ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या 3/32, ठीक है। इस तरह आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए 5 सक्सेस की जगह पे 4 सक्सेस आ जाए, आपको करना क्या है सिंपली, हाँ जी क्या करना है आपको, सिंपली आर की जगह पे क्या कर देना है, 4, यहाँ पे 4 कर दो आप, ठीक है। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 4, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 4, ठीक है। इसको सोल्व करें, 64 को कैसे सोल्व करते हैं, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 - 4 2 फैक्टोरियल, ठीक है। और 1/2 4 क्या होता है 2 4 8 16, ठीक है। और 1/2 6 में 4 गया 2, और 1/2 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, और बटे में 4 फैक्टोरियल, गुणा में 2 × 1/16, गुणा में 1/4, ठीक है। इससे ये कट गया 2 3 6, ये कट गया, और 3/64, ठीक है। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस आ जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, अब इसमें क्या करेंगे, हाँ जी इसमें क्या दे रखा है, इसमें तो आर की वैल्यू क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का क्या मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या 0 है, ठीक है। तो यहाँ सिंपली क्या करेंगे आप, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, अब एक्स आर की वैल्यू क्या 0 है, फार्मूले में रखें 60 1/2 r, r का r की वैल्यू तो 0 है, और 1/2 n - r, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, और n से 0 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 1/2 0 किसी की पावर 0 हो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और 1/2 6, आई होप आपको सोल्व करना, 6 में से 0 गए 0, 1/2 6, और 2 की पावर 6 क्या होता है 2 4 8 16 32 64, 1/64, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे अब आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, और मैंने आपको बताया था आर की वैल्यू क्या होती है, जो इसके बाद होती है ये चीज़। अब इसमें आर की वैल्यू क्या है, हमने जब प्रोबेबिलिटी चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या उससे ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रूम में अगर मैं बोलूं एक रूम में एटलीस्ट 4 चेयर ही आ सकती हैं, इसका मतलब क्या है, उस रूम में 4 कुर्सियां तो आ सकती हैं, 4 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, 5 भी आ सकती हैं, 6 भी आ सकती हैं, 7 भी आ सकती हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे अगर देखें, अगर यहाँ इसका क्या मतलब निकल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस, कम से कम 5 सक्सेस आनी चाहिए, 5 से ज़्यादा भी आ सकती हैं, 5 आ सकती हैं, और डाई को कितने बार छाड़ा है, 6 बार छाड़ा है, तो मैक्सिमम 6 सक्सेस आ सकती हैं। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पे, या तो 5 सक्सेस आ सकती हैं, 5 या 5 से ज़्यादा, यही मतलब है इसका, या 6 सक्सेस आ सकती हैं, ठीक है। एटलीस्ट 5 का मतलब 5 या 5 से ज़्यादा, या तो 5 या 6, ठीक है। इसको सोल्व कर दें, इसका मतलब क्या है, एक बार आर की वैल्यू क्या 5 है, और जब आर की वैल्यू 5 है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसका आंसर क्या था 3/32 प्लस, ठीक है। एक बार आर की वैल्यू क्या रखनी है 6, ये हमने सोल्व नहीं किया, इसको सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या रखनी है 6, और एन की वैल्यू भी क्या 6, 6 6 6, 1/2 6, और 1/2 6 - 6, ठीक है। इसको सोल्व कर लें, हाँ जी यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, 3/32 as it is, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी सोल्व कर रखा है। और 6 C 6 की वैल्यू, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1/2 6 की यहाँ वैल्यू आएगी, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2 4 8 16 32 64 होती है, और ये 6 में से 6 गए 0, तो 1/2 0 तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसको सोल्व करके 1/64 आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसको सोल्व कर लीजिए आप, एलसीएम क्या आ गया 64, 32 × 64 3 × 6 और 1, तो क्या आ गया 7/64, ठीक है। एटलीस्ट 5 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 7/64, तो बी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। हाँ जी, अब देखते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे एटलीस्ट था, अब क्या आ गया एटमोस्ट 5 सक्सेस। जैसे एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम या उससे ज़्यादा, सेम एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या उससे कम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, मैं बोल रहा हूँ इस रूम में एटमोस्ट 5 चेयर आ सकती हैं, इसका मतलब क्या है, इस रूम में या तो 5 चेयर आ सकती हैं या 5 से कम,
पाँच आ सकती हैं, चार आ सकती हैं, तीन आ सकती हैं, दो आ सकती हैं, एक आ सकती है या जीरो आ सकती है, ठीक है। अब मुझे एटमोस्ट फाइव सक्सेस निकालना है, तो कैसे करेंगे? हाँ जी, आर की वैल्यू या तो क्या हो सकती है, फाइव हो सकती है, या आर की वैल्यू, या आर की वैल्यू क्या हो सकती है, फोर हो सकती है, या आर की वैल्यू क्या हो सकती है, थ्री हो सकती है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है, टू हो सकती है, या आर की वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है, या आर की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, या तो पांच सक्सेस आ सकती हैं, या चार आ सकती हैं। एटमोस्ट का मतलब ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा या इससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच आ सकती हैं, उससे कम चार भी, तीन भी, दो भी, एक भी, जीरो भी, ठीक है। तो कैसे करें क्वेश्चन को? हाँ जी, पहले हम आर की वैल्यू यहाँ पर पाँच रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, फिर आर की वैल्यू चार रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ऐसे ही पाँच, चार, तीन, दो, हर पॉइंट पे सोल्व करेंगे, उसको सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। एक मेथड तो ये है, ये मेथड थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, आइए उसके लिए कंसेप्ट है वो देखते हैं। हाँ जी, कंसेप्ट क्या, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। हाँ जी, वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट होता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ये क्या चीज़ है, आइए देखते हैं। हाँ जी, अब जब मैंने एक डाई को कितनी बार उछाला था, यहाँ पे छः बार उछाला था, ठीक है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, हाँ जी, आप क्या करें, जीरो से स्टार्ट करें, एक बार आर की वैल्यू जीरो रखें, फिर क्या रखें, वन रखें, प्लस टू रखें, ऐसे ही कहाँ तक, जितने मेरे टोटल नंबर ऑफ इवेंट हैं, फिर उसके बाद फोर प्लस फाइव, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, प्लस सिक्स, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी, ये सिक्स है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी यानी कि जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, सिक्स पे, अगर मैं इन पॉइंटों पे निकाल लूँ प्रोबेबिलिटी, यानी कि आर की वैल्यू एक बार जीरो रखूँ, उसको निकाल लूँ, फिर वन रखूँ, टू इनको निकाल लूँ, तो इस सब का सम क्या होगा, वन होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। अब जैसे इसमें डाई कितनी बार उछाली थी, छः बार उछाली थी, तो कहाँ आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, छः होगी, तो जीरो से लेकर छः तक इनका सम करूँगा तो वो क्या आएगा, हमेशा वन आएगा। जैसे अगर डाई मैं दस बार उछालता तो जीरो से लेकर दस तक उसका सम क्या आता, वन आता। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं मेरे, छः हैं, तो जीरो से लेकर छः तक इसका सम क्या होगा, वन होगा। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। हाँ जी, अब क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट फाइव सक्सेस। एटमोस्ट फाइव सक्सेस का मतलब क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच या उससे कम, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच या उससे कम मुझे निकालना है। जैसे अभी अभी हमने लिखा था x इज इक्वल टू पाँच, x इज इक्वल टू चार, प्लस x इज इक्वल टू तीन, ये इज इक्वल टू है, प्लस x इज इक्वल टू दो, प्लस x इज इक्वल टू वन, प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी, मुझे ये चीज़ निकालना है इस क्वेश्चन में। अब मैं ऐसा ना करके, ये ना निकाल के, अगर जैसे इस फार्मूले में मुझे पता है इसका जीरो से लेके छः तक का सम क्या वन है, ठीक है, और मुझे अब अगर आप यहाँ देखें, मुझे जीरो से लेके पाँच तक की ये वैल्यू निकालनी है, जीरो से लेके पाँच तक की ये वैल्यू है, अगर मैं इसको x इज इक्वल टू सिक्स को उस तरफ ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वन माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मुझे यही नहीं निकालना, एटमोस्ट फाइव सक्सेस का मतलब क्या है, जीरो पे, वन पे, टू पे, थ्री पे, फोर पे, फाइव पे, इसका सम इज इक्वल टू वन माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स, तो हाँ जी आप क्या करें, डायरेक्ट ये निकाल लें, तो वन माइनस के प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू सिक्स का मतलब क्या है, आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सिक्स आएगी, तो रख दें एन की वैल्यू क्या मेरे पास, सिक्स है ही, सिक्स इज सिक्स, वन बाई टू रेज टू पावर क्या है, आर है, और आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, सिक्स है, और वन बाई टू रेज टू पावर सिक्स माइनस के सिक्स। हाँ जी, इसको सॉल्व कर लें। हाँ जी, वन, ये वन और माइनस का एन सी एन क्या होता है, वन होता है, और वन बाई टू रेज टू पावर सिक्स क्या होता है, वन बाई सिक्सटी फोर होता है, और वन बाई टू रेज टू पावर जीरो है तो वन ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई वन, तो एक में से वन बाई चौंसठ गया तो क्या आ जाएगा, सिक्सटी थ्री बाय में सिक्सटी फोर, तो ये क्या आ जाएगा मेरा राइट आंसर, यानी कि एटमोस्ट फाइव सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट फाइव सक्सेस का आंसर क्या आ जाएगा, 63 बाय में 64, और इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं। एटमोस्ट फाइव सक्सेस निकालनी है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा या इससे कम, इसका मतलब क्या है, या तो पाँच या पाँच से कम, पाँच से कम कहाँ तक, जीरो तक, तो मुझे ये निकालना है सारा, ठीक है, और मुझे एक रिजल्ट पता है, वो जो रिजल्ट क्या है, वो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने, सिक्स तक, यानी कि अगर मैं जीरो से लेके, आर की वैल्यू जीरो से लेके प्लस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स,
उन सबको प्लस कर दूँ तो उसका सम क्या आएगा, हमेशा वन के बराबर आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक प्लस एक्स इजिकल टू सिक्स तक था, इनका सम वन है, तो अगर मैं एक्स इजिकल टू सिक्स उस तरफ ले जाऊँ तो वन माइनस के प्रोबेबिलिटी एक्स इजिकल सिक्स आ जाएगा, ये यानी कि ये चीज़ सारा इसके बराबर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। मैं इसकी वैल्यू ना निकाल के मैं सीधा क्या करता हूँ, एक्स इजिकल टू सिक्स पे निकाल के उसको वन में से माइनस कर दूंगा, तो हाँ जी इसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही तो मुझे निकालनी थी। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच।